पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से हुए 130 से अधिक मौतों को लेकर आज पठानकोट में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से पठानकोट के विधायक अमित विज के घर का घेराव किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के नेता दीपांशु घई ने कहा कि कैप्टन सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के नेता दीपांशु घई ने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। बड़े शांतिपूर्वक तरीके दे नाल आपां अपने पठानकोट के विधायक अमित जी के घर के बाहर आए थे। जड़ियाँ 118 जड़ियाँ मौत हुई ने उदा स्पष्टीकरण दे, मगर किते भी विधायक जी उस गलते स्पष्टीकरण नहीं देन आए। आपां एक घंटा युवा साथियों के नाल उन्होंने घर के बाहर बैठे हाँ। आपां सोचा सी साडे शहर के विधायक ने इस गल का स्पष्टीकरण देंगे, मगर किते ना किते उन्होंने भी सरकार तो डर लग रहा, क्योंकि वह भी सरकार के नुमाइंदे ने, किते उन्होंने डर है कि जे मैं स्पष्टीकरण देना किते मैनू CM साहब कुछ कह ना। इस कारण चलिए आप अपना जिहड़ा रोस प्रदर्शन वो किया, तो हुण आप जिस तरीके शांतिपूर्वक तरीके आए थे हुण ये रोस प्रदर्शन चो आप उठ के उसे तरीके। देखो पूरे पंजाब च पंजाब युवा मोर्चा वालों ये धरना दिता जा रहा। इस साडा धरने देने का मकसद ये है कि पंजाब सरकार जिहड़ी नजायज मौतां पंजाब च अवैध शराब करके नकली शराब करके होईयां उन्हां वास्ते इंसाफ होए। इहदे च जो भी पंजाब सरकार दे नुमाइंदे ने MLA मंत्री उन्हां पर भी पूरी कार्रवाई पंजाब सरकार करे, ताकि जो भी इस घटना के पिछे है वो दुध का दुध पानी का पानी होए। SHO DSP जो भी इनवॉल्व सीगे।